हसनपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बीती रात नवजात बच्चा चोरी, पुलिस ने किया बरामद। जनपद अमरोहा के हसनपुर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात नवजात बच्चा चोरी होने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और अमरोहा पुलिस ने महज 12 घंटों के अंदर चोरी हुए नवजात बच्चे को बरामद कर लिया है और संदिग्धता के तौर पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपलौती खुर्द के रहने वाले राजकुमार ने प्रसव पीड़ा होने पर अपनी पत्नी कुसुम को मंगलवार शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। करीब 6 बजे उसकी पत्नी को नॉर्मल डिलीवरी से बेटा पैदा हुआ। इस दौरान कुसुम की सास यादवती भी अस्पताल में ही थी। पति राजकुमार आशा कार्यकर्ती को गांव छोड़ने चला गया। यादवती के मुताबिक इस दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवती वहां आई और कहा महिला डॉक्टर बुला रही हैं। यादवती डॉक्टर के पास चली गई और वह युवती नवजात की माँ कुसुम से ये कहकर उसका बच्चा ले गई कि इस बच्चे को टीका लगवाने जा रही है। जब काफी देर तक युवती नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई और काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का कोई पता नहीं लग सका। कुसुम का ये दूसरा बच्चा था, पहले भी उसके एक बेटा है। उधर जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने जिले भर में चेकिंग बढ़ा दी और बच्चे व युवती की तलाश की जाने लगी, लेकिन कोई सफलता नहीं लगी। लेकिन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच, SOG टीम सहित 5 टीमें गठित करके चोरी किए गए नवजात बच्चे की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद महज 12 घंटे के अंदर अमरोहा पुलिस ने कोतवाली इलाके के अहरोला गांव के बाहरी छोर स्थित ट्यूबवेल से नवजात बच्चे को बरामद कर लिया, जिसके बाद संदिग्धता के आरोप में पूछताछ के लिए ट्यूबवेल के मालिक सहित 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्यवाही में जुटी है, लेकिन अभी तक वो लड़की जो बच्चे को ले गई थी पुलिस को हाथ नहीं लगी, उसकी तलाश जारी है। जी, कल रात्रि में CHC हसनपुर से एक महिला टीका लगवाने के नाम पर बच्चे को ले गई और बच्चा जब लौट कर नहीं आया तो परिजनों ने तलाश शुरू की, तब पता चला कि उनका बच्चा चोरी हो गया है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, हमने अपनी पूरी टीम लगाई बच्चे की तलाश में, मुकदमा दर्ज करवाया गया। आज सुबह बच्चे की बरामदगी हुई है और जो व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हमने पुलिस हिरासत में लिए हैं पूछताछ के लिए। बच्चा परिजनों ने अपना पहचान लिया है और परिजनों के हवाले कर दिया गया है। जो लोग संदिग्ध हमने कब्जे में लिए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। जी, बच्चे की बरामदगी स्थानीय थाना पुलिस के द्वारा की गई है, क्योंकि रात में ही हमने लोगों से पूछताछ करने के पश्चात पूरे गांव को घेर कर गाँव वालों को बुलाकर सहयोग की अपेक्षा की थी, जिस पर कि पूरी रात तलाशी की गई है। इसमें यह बच्चा एक ट्यूबवेल पर मिला हमें, और जो ट्यूबवेल कर्मी हैं, जो मालिक हैं ट्यूबवेल के, उनको और उनके एक साथी महिला को हमने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। आगे पूछताछ के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जी, जो बच्चा बरामद करने वाली टीम है उनको परिजनों ने भी काफ़ी धन्यवाद कहा है और हमारी तरफ से उनको 10,000 रुपये नकद पुरस्कार टीम को दिया जाएगा।